हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ ग्लोइंग स्किन पानी का सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, यानी कुछ हैक्स या टिप्स जो आप यूज कर सकते हो अपनी स्किन को ग्लोइंग, ब्राइट एंड क्लियर बनाने की। सबसे पहला हैक इज टू यूज अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सिर्फ हमारे स्किन को सन डैमेज और सन के हार्मफुल रेज से ही नहीं बचाता है, बल्कि हमारे स्किन में जो टैनिंग, सनबर्न होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। और कभी कभी ना हमारा स्किन सेंसिटिव हो जाता है सन की वजह से, जिससे हमारे स्किन को बचाता है। तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट टू कीप योर स्किन ग्लोइंग एंड फ्रेश। पॉइंट नंबर टू इज योगा या फिर एक्सरसाइज, जिससे कि आपका बॉडी जो है वो फिट रहे और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका स्किन लगेगा ग्लोइंग और वो इंटरनली आपके बॉडी को बनाएगा फिट, जिसकी वजह से हमारा स्किन दिखेगा भी फ्रेश एंड ग्लोइंग। कहते हैं ना, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा स्किन, और हमारा स्किन हेल्दी दिखे इसके लिए अंदर से हमें फिट एंड हेल्दी रहना होगा। तो वो तो पता ही है कि मैं कुछ दिनों से योगा कर रही हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पैर में अभी भी दर्द है। सो आई एम ऑल्सो कंज्यूमिंग दिस वन, दिस इज नेचर श्योर का अग्निमंता, ये वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आप लोग भी वेट लॉस का प्लान कर रहे हो ना, तो इससे लो। इस बॉटल में ना 60 कैप्सूल्स आते हैं, यानी एक महीने का कोर्स है। हर दिन आपको दो बार लेना है, सुबह के ब्रेकफास्ट या दोपहर के लंच से पहले एक बार लेना है और रात के डिनर से पहले एक बार लेना है। पानी से नॉर्मली ले लीजिए। ये ऐसे ग्रीन कलर का कैप्सूल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी प्रिकॉशन के लिए अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, आप बच्चे हो या फिर इन्फेंट हो, आप इसे कंज्यूम ना करें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि मुझे काफी बेनिफिट मिला है इसके वजह। पहले भी इसे कंज्यूम किया था, तब भी मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिखा था, और अभी भी मैं जब अग्निमंथा को लेती हूँ तब भी मुझे बहुत प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिल रहा है अपने बॉडी में। बट अगर आपको डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई भी दूसरा मेडिसिन आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, तो अपने डॉक्टर से एक बार पूछ जरूर लेना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। और आप ऐसे ही नॉर्मली हेल्दी हो तो आप जरूर इसे कंज्यूम कीजिए, वेट लॉस के लिए काफी मददगार है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगी, तो चेक करना मत भूलिएगा। थर्ड थिंग इज टू यूज अ विटामिन सी सीरम या फिर विटामिन सी क्रीम। विटामिन सी इज वेरी वेरी एसेंशियल। अभी तो सारे सेलिब्रिटीज विटामिन सी यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली सेलिब्रिटीज, हर कोई यूज करता है विटामिन सी। बट एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए, अगर आप विटामिन सी यूज करते हो तो नेक्स्ट डे सुबह आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो विटामिन सी को आप अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन या फिर नाइट स्किन केयर रूटीन, दोनों में से किसी भी एक स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर। फोर्थ पॉइंट इज टू यूज अ रेटिनॉल क्रीम या फिर सीरम। रेटिनॉल जो होता है हमारे स्किन के टर्न ओवर के लिए काफी अच्छा होता है, बिकॉज वो हमारे स्किन का जो सेल है उसको रिन्यू करता है एंड हमारे स्किन को एक ब्राइट ग्लोइंग लुक देता है। रेटिनॉल उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा है जिनकी एज 30 से ऊपर है। हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर 4 बार मैक्सिमम रेटिनॉल क्रीम या सीरम को यूज करना है, हर दिन यूज नहीं करना है। सो दैट्स अ गुड थिंग। रेटिनॉल को हमेशा रात को ही यूज करना है, सुबह नहीं यूज करना है। सो जस्ट कीप इट इन माइंड इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग रेटिनॉल इन योर स्किन केयर रेजिम। फिफ्थ पॉइंट इज टू यूज अ केमिकल एक्सफोलिएंट। तो केमिकल एक्सफोलिएंट के बारे में मैंने पहले भी अपनी वेटर स्किन केयर रूटीन में दिखाया है। तो केमिकल एक्सफोलिएंट मैं यूज करती हूँ, और जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, लास्ट 3 महीने से मैं यूज कर रही हूँ और मैंने अपने स्किन में जो चेंजेस दिखे है ना, उसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डू यूज अ केमिकल एक्सफोलिएंट, खुद का रिसर्च करो, उसके बाद अपने स्किन केयर रूटीन में केमिकल एक्सफोलिएंट लाओ। वो स्क्रब की तरह इतना हार्श नहीं होता है, जेंटल होता है आपके स्किन के ऊपर, बट फिर भी अपना काम कर देता है और आपके स्किन को एक ब्राइट ग्लोइंग इफेक्ट भी देता है। सिक्स्थ इज टू यूज अ फेस पैक वंस इन अ वीक। तो हफ्ते में एक बार कोई भी फेस पैक, होममेड फेस पैक यूज कर सकते हो या फिर मार्केट बॉट फेस पैक भी यूज कर सकते हो। फेस पैक ना हमेशा डिपेंड करता है आपके स्किन के रिक्वायरमेंट के ऊपर। किसी दिन अगर आपको लगता है कि आपकी टैनिंग ज्यादा हो गई है तो खीरे का और बेसन का फेस पैक बना के अप्लाई करो। किसी दिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड लग रही है तो हनी और मिल्क का फेस पैक बना के अप्लाई करो। किसी दिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में आपको एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो उसके लिए लिकोराइस यानी मुलेथी और चंदन का फेस पैक लगा सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है और उस पर्टिकुलर डे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फेस पैक को यूज कीजिए। सेवन पॉइंट, और जिस पॉइंट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो है टू पिक अ राइट
मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारी स्किन ग्लोइंग कभी नहीं लग सकती है, डिहाइड्रेटेड लगती है विदाउट मॉइस्चराइजर। हमारी स्किन ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ड्राई, कोई भी स्किन टाइप क्यों ना हो आपका, आपको चाहिए एक मॉइस्चराइजर एवरी डे। रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर लगाए बगैर कभी सोने मत जाना, वरना आपकी स्किन जो है उसमें एजिंग के साइंस ज़्यादा आएंगे और आपकी स्किन जो है वो डल एंड डिहाइड्रेटेड भी लगेगी। चाहे जितना भी आप मेकअप कर लो, मॉइस्चराइजर की कमी ना स्किन में मेकअप के बाद भी दिखाई देती। तो ये तो हो गए सारे पॉइंट, अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, जो कि है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर गाइस। वाटर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने नहीं देता और आपकी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है इंटरनली। उसी के साथ ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो मैंने पहले भी कहा है जरूर कीजिए, एंड वेट लॉस के लिए अग्निमंथा को यूज करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। 2 टैबलेट हर दिन लेना है खाने से पहले, दोपहर का लंच या फिर रात के डिनर से पहले, एंड यू आर सॉर्टेड। और उसी के साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए तो आप देखोगे सिर्फ स्किन ग्लोइंग नहीं बनेगी बल्कि आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस के साथ साथ आपका बॉडी फिट भी रहेगा, आप फिट फील करोगे और एनर्जेटिक फील करोगे। सो डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा रिजल्ट आपको मिले, क्योंकि अभी तक 1 महीना नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट 20 डेज तक और भी इसे यूज करने वाली हूँ और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको 20 डेज बाद ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एशियन ब्यूटी शर्मिशा, वहाँ पे भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है, तो चेक जरूर कर लेना और लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड।